नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगर आपकी नींद भी सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो जानिए इस वीडियो में कि ऐसे में आपको क्या संकेत मिलते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि ऐसे में आपको कौन सा एक काम जरूर करना चाहिए। अगर आप वो काम नहीं करते हैं तो आप अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा ऐसे संकेत जिनसे आप जान सकते हैं कि भगवान आपसे बहुत खुश हैं और जल्द ही अब आप मालामाल होने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों, इंसान की किस्मत चमकने से पहले ऊपर वाला यह 3 संकेत जरूर देता है। हो सकता है इनमें से कोई एक संकेत शायद आपको भी मिला हो। तो आइए देखते हैं, जब भी किसी व्यक्ति के अच्छे दिन आते हैं तो ईश्वर उसे यह संकेत जरूर देते हैं। आप भी जान लीजिए कि आपको मिले हैं यह संकेत। चलिए जानते हैं। आप तो जानते ही होंगे कि पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद हमें रात को चैन की नींद आती है, लेकिन ऐसे में रात को कुछ लोगों की नींद एक समय पर टूट जाती है। कई बार रात में लोगों की नींद खुल जाती है, वे इसे नॉर्मल मानते हैं, लेकिन यह नॉर्मल बात नहीं। कभी पेशाब जाने या फिर कभी प्यास लगने पर नींद टूटना आम बात है। इस तरह की नींद खुलना कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर रोजाना रात में एक ही समय पर आपकी आंख खुलती है तो इसकी कुछ वजह हो सकती है। रात 11 से 1 बजे के बीच आंख का खुलना। यदि आप रात्रि 11 से 1 बजे के बीच में अचानक सोते हुए उठ जाते हैं तो आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। ऐसे में आप गायत्री मंत्र का जाप करें। अगर रात 12 से 2 के बीच खुलती है आपकी नींद, तो यह व्यक्ति के गुस्से की ओर संकेत करता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए आप ठंडा पानी पी लें और ऐसी समस्या से निपटने के लिए आप सोने से पहले अपने हाथ पैर धो लें। ऐसा नियमित करने से आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। लेकिन जिन लोगों की नींद रात 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो इसका मतलब क्या होता है, चलिए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, उससे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति के अच्छे दिन आते हैं तो ईश्वर उसे यह संकेत जरूर देते हैं। आप भी जान लीजिए क्या आपको मिले हैं यह संकेत। चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, अगर किसी व्यक्ति की नींद अचानक से बार बार रात में 3 बजे के बाद खुलती है तो इसे मामूली बात ना समझें। यह संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियां जागृत हो जाती हैं, जो आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है। ऐसे में आपका बार बार 3 बजे के बाद उठना कामयाब होने का संकेत है। वहीं रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी भी खाली नहीं जाता। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, अगर आपको आपके सपने में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ झरना आपको दिखाई देता है और इस जल को आप पी लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होती है, और इस संकेत का मतलब है कि खुद ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। नंबर 3, दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर आपके सपनों में देवी देवता दिखाई देते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सपने में देवी देवताओं का आना अत्यंत लाभकारी है। सपनों में देवी देवताओं का आना एक पवित्र व्यक्ति होने का संकेत देता है। ऐसे व्यक्ति को कामयाबी छुटकी भर में मिल जाती है, लेकिन ऐसे सपने कभी भी किसी के साथ आपको शेयर नहीं करने चाहिए। नंबर 4, पूर्वाभास। अगर आपको आने वाली घटनाओं का पहले ही आभास हो जाता है तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियों की आप पर कृपा है। नंबर 5, पारिवारिक प्रेम। आपकी पत्नी, बेटा, बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वो सभी आपसे प्यार करते हैं और आप भी उससे प्यार कर रही है, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्ति आपसे प्रसन्न है। नंबर 6, भाग्य से भी तेज। दोस्तों, जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की आपको कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती और सभी कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं। ये दोस्तों, ये है वो संकेत हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि ईश्वर आपसे बहुत ही प्रसन्न है, जल्द ही आपको मालामाल करने वाले हैं। चलिए अब जानते हैं कि कौन सा है वो काम जो आपको तब करना है जब अगर आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुलती है। ये काम करने से ना चुकें, वरना यह समय आपके लिए शुभ फल की जगह बेकार हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे में आपको उसी समय उठ जाना चाहिए। आपको दोबारा सोना नहीं चाहिए। यह गलती बिल्कुल भी ना करें।
आपको उठकर स्नान करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको सुख और शांति मिलती है और इच्छा पूर्ति का वरदान भी मिलता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राम लिखना ना भूले। धन्यवाद।